राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ नेनुआ की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी का रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस सब्जी को कहीं कहीं पे तरोई भी बोलते हैं और नेनुआ भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेनुआ को छीलने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से धुल दिया है और इसके इस तरीके से मोटे मोटे पीस काटेंगे, गोले गोले, छोटे छोटे बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरीके से गोला गोला हमें काट कर तैयार करना है और थोड़ा मोटा मोटा ही काटना है। 1 किलो मैंने नेनुआ लिया हुआ है और इसी तरीके से सब्जी को काट कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इसी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच डाल देंगे सरसों। 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज भी इसी में डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे कड़ी पत्ती। कड़ी पत्ती से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स इस सब्जी में। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा है, चलिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसी में हम डालेंगे 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 2 इंच अदरक डालेंगे और 5 से 6 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसी में डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 10 से 12 कली लहसुन छीला हुआ डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 2 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और 1/2 कप पानी डालकर इसे खूब अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मसाले को मैंने अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। प्याज को बस हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें प्याज को नहीं फ्राई करना है। और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डाल देंगे सब्जी मसाला। इसी के साथ साथ पीसा हुआ मसाला भी हम इसी में डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 1 छोटा चम्मच इसी में डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे खूब अच्छी तरह से चला देंगे। कढ़ाई को हम 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे। मसाले को ढककर भूनने से फ्रेंड्स मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है और मसाले से तेल भी निकल आया है। एक बार इसे हम खूब अच्छी तरह से चला देंगे और चलाने के बाद कटा हुआ सब्जी हम इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स एक बार आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये नेनुआ की सब्जी इतना टेस्टी लगता है खाने में कि इसके आगे पनीर की भी सब्जी फेल हो जाए, इतना टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होता है। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर खूब अच्छी तरह से चला देंगे। पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है और कढ़ाई को 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे और बीच में इसे 1 से 2 बार खोलकर चला देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नेनुआ में से कितना ढेर सारा पानी निकल आया है। और इसे एक बार हम खूब अच्छी तरह से चला देंगे। चलाने के बाद कढ़ाई को फिर से हम ढक देंगे। इस सब्जी को आप रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नेनुआ का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। इसी में हम ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे खूब अच्छी तरह से चला देंगे। और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच हम भरकर देसी घी डालेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कड़ी पत्ती डाल देंगे। आपके पास अगर में फ्रेंड्स धनिया की पत्ती हो तो आप बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती ज़रूर से डालिएगा। हमारे पास इस समय धनिया की पत्ती नहीं है तो मैंने बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ती ही डाल दिया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे जैसे मैंने बताया है फ्रेंड्स, आप उसी तरीके से ये सब्जी ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये सब्जी बनकर तैयार होती है। एक बार आप हमारे तरीके से इस सब्जी को बनाकर खा लेंगे तो इसे आप बार बार बनाकर खाएंगे।
वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब कमेंट आता है तो पढ़कर बहुत खुशी होती है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें भी ना बिल्कुल मत जाइएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।